पवित्रता रहती है, बिस्तर साफ सुथरा है, कपड़े साफ सुथरा, रजाई गद्दे साफ सुथरा, शरीर भी साफ सुथरा, दांत साफ सुथरा, उनके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। कितने लोग तो इतने गंदे होते हैं, अपनी नाक साफ करते हैं और नाक की उंगलियां पीछे पेंट में पहुंच देते हैं। पीछे से वो चमकती रहती है ब्लैक बोर्ड की तरह कि नाक यहां चिपकाई जाती है। कितनी महिलाएं नाक पहुंच करके उसी उंगली से आटा मार देती है, पूरा माल पुरुषों को खिला देती है कि ऐसा आइटम डाली हूं जो मिलेगा नहीं कंपनी में। स्पेशल मसाला MDH। इतनी गंदगी, कितनी महिलाएं माथे का पसीना पोंछती हैं, उसी पसीने से लोई बनाती हैं, और पति जब खाता है तो कहता कुछ नमकीन स्वाद है, तो पत्नी मुस्कुराती है कि नया आइटम डाली हो। ये सब गंदगी करने वाले लोग लक्ष्मी विहीन हो जाते हैं, उनके घर में दरिद्र आता है। जिन उंगलियों से पसीना पोंछिए हाथ पानी से धोइए, बाल संभालिए तो हाथ धोइए। कितने घरों में रोटी में पूड़ी में भी बाल निकलता है, तो मैंने पूछा ये पूड़ी में बाल क्यों निकला, तो उनके पति ने कहा कि ये बाल सिद्ध करता है कि मेरी पत्नी के बहुत सुंदर बाल है। एक पूड़ी में एक बाल डाल देती है, मेहमान पूड़ी तो खाता है, बाल को भी चूसता है कि धन्य हो गए बाल। क्या लोगों का लफड़ा है, इतनी गंदगी, रोटी में बाल निकले, भात में बाल, दाल में बाल, बाटी में बाल। ये बाल कोई प्रसाद है जो सब में एक एक डाल रही हो? मत करना गंदगी, बालों को बांध कर रखो। कितने घरों में बर्तन भी ठीक से धोए नहीं जाते हैं, गंदे बर्तनों में खाना पीना पकाना हो रहा है। और याद रखना, गुजरात प्रदेश यदि अमीर प्रदेश है, केवल शुद्धता और सफाई के कारण वहां लक्ष्मी निवास करती है। गुजरात में कभी जाना, गुजरातियों के घर के बर्तन रखने का व्यवस्था देखना, कैसे लाइन से जमा कर रखते हैं, कपड़े से पोंछ पोंछ कर रखते हैं, इधर उधर नहीं डालते। सवेरे सोकर उठते हैं, सब बिस्तर झाड़ कर एक किनारे ठीक से सेटिंग करते हैं। आपके घर की सेटिंग भी अच्छी हो। और माताओं बहनों का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि घर को संभालो बेटियों, और पुरुषों से भी मेरा यही कहना है, घर की सेटिंग को बिगाड़ो मत। तंबाकू मत खाना, पुड़िया भी मत खाना, बीड़ी मत पीना, शराब मत पीना। धन्य है तुम्हारा जीवन, महान हो तो। मंगलमय वातावरण बने तुम्हारे जीवन में, घर तुम्हारा स्वर्ग जैसा रहे। मांस मछली अंडा मुर्गा कभी मत खाना, शाकाहारी रहना, ये राक्षसी आहार है। शुद्ध पवित्र आपका जीवन हो। जीव मत मारो मापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूट है जो कोटिन सुनो पुराण। सोचम
पवित्रता, करुण्यम वाग्निष्ठुरा, आपके हृदय में करुणा होना चाहिए। पिता की बातें करते करते आपकी आंखें करुणा से डबडबा जाए, बेटे बहू की चर्चा करते करते आपकी आंखों में आंसू छलक पड़े, प्रेम के आंसू। करुणावान पुत्र बनो, करुणावान माँ बनो। अभी कल मेरे से मिलने के लिए एक परिवार आया था, ये पास के गांव से। उनकी बहन भी थी, बहनोई भी था, शाला भी था। तो बहन ने कहा, ये मेरा भाई है, भगवान है। सात भाई बहनों को पाल पोष कर बड़ा करके सबको सेट कर दिया है और साइकिल पर आइसक्रीम बेच करके परिवार का गुजारा करता है। गुरुदेव कल मत बुलाओ इसको, आज ही गुरु मंत्र दे दो, गरीब मेरा भाई है। सात को पाला पोसा है, एक भाई नहीं रह गया, उसकी मृत्यु हो गई। इतना सुन करके वो रोने लगा, भाई रो पड़ा, बहन रो पड़ी। करुणा आ गई, मैंने कहा रो मत। तो उसने कहा, बहुत मुश्किल से पाला पोसा था मैंने, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया, नहीं रह गया। भाई भाई में इतना प्रेम और करुणा हो, पति पत्नी में भी करुणा हो। और मेरे भाइयों बहनों, मैं निवेदन करूंगा आपसे, पिता पुत्र के बीच में भी करुणा हो, इतना प्रेम बढ़ाइए, तू प्यार का सागर बन जाओ। सारी दुनिया प्रेम की भूखी है, करुणावान बनो। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। इधर जिंदगी झूम के गाए, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कौन क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी, कानों
में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, राह भूले हैं कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, जय हो, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सज्जनों, पांचवा लक्षण है कि जिसका दिल करुणा से भरा हुआ है, लक्ष्मी उसको चुनाव करती है। और छठा वाग निष्ठुरा, जो कठोर वाणी नहीं बोलता है, संभल कर बोलता है, प्री बोलता है, उसका जीवन भी सुख शांति और संपत्ति से पूर्ण रहता है। और सातवीं चीज मित्राणाम चा अनभिद्रोहा, जो अपने मित्रों से विद्रोह नहीं करता है, जिसको मित्र बनाता है, जीवन भर मित्र के रूप में ही रखने की कोशिश करता है। विदुर कहते हैं सप्तैतः समधि श्रिया, ये सात लक्षण जिसके जीवन में होते हैं, लक्ष्मी की उस पर कृपा रहती है, वो कभी गरीब नहीं होता है, हमेशा धनवान रहता है। संत कबीर से पूछा गया गुरु का क्या महत्व है, गुरु भक्ति का क्या मूल्य है। कबीर कहते हैं यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि गुरु ना मिले तो ये शरीर जहर की लता है, इसमें जहर ही जहर पैदा होता है। और गुरु मिल जाए तो ये शरीर अमृत के घड़े के समान हो जाता है। राम को गुरु मिल गए थे विश्वामित्र और वशिष्ठ, तो राम का जीवन अमृत हो गया। रावण को गुरु नहीं मिला, कोई संत नहीं मिला, तो रावण का जीवन जहर के समान, दूसरों के लिए दुखदायी हो गया। याद रखना कुसंग आपके जीवन को जहर बनाता है, सत्संग आपके जीवन को अमृत बनाता है। गुरु की तलाश करो। शिव जी से पार्वती जी ने स्कंद पुराण में पूछा है गुरु कैसा होना चाहिए, तो शिव जी कहते हैं यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति, सा भवेत् परमो गुरु। जिसके दर्शन मात्र से, जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता आ जाए, दिल में धैर्य और शांति आ जाए, तो समझ लेना वह परम गुरु मिल गया है। दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाए, दिल में धैर्य और शांति आ जाए, वो परम गुरु का दर्शन हो गया है। गुरुवो निर्मलः शांतः साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्तः सदाचारः जितेन्द्रियः। और गुरु निर्मल स्वभाव का हो,
सदाचारी हो, जितेंद्री हो, वैराग्यवान हो, ब्रह्मचारी हो, मितभाषी हो और गुरु साधु हो, गृहस्थ न हो, ऐसा गुरु होना चाहिए जिसको आत्मज्ञान भी हो। और कितने लोग प्रश्न पूछते हैं, एक गुरु बना लिया है, दूसरा गुरु बनाने की इच्छा होती है लेकिन डर लगता है कहीं कुछ खतरा ना हो जाए। डरो मत, अगर एक गुरु बनाया है तुमने, भगवान राम ने भी गुरु वशिष्ठ को गुरु बनाया था। वशिष्ठ जी गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ गुरु थे, कुल गुरु थे, फिर राम ने विश्वामित्र को, वैराग्यवान संत को अपना सदगुरु बना लिया था। आप दूसरा गुरु भी बना सकते हो, और यदि आपका गुरु, अभी एक सज्जन मिले थे, पति पत्नी, तो कह रहे थे गया बिहार में लोग जाते हैं ना अपनी हड्डी उड्डी, हड्डियों को फूल बोलते हैं, घर में कोई मर जाता है तो फूल प्रवाहित करने के लिए गया में जाते हैं। ये बिहार में एक गया स्थान है, गया में गंगा बह रही है, वहाँ महात्मा बुद्ध का भी आश्रम है, विनोबा भावे का आश्रम है, मैं वहाँ एक रात रुका, तो उसमें लोग अपने माँ बाप की हड्डियों के फूल वहाँ प्रवाहित कर देते हैं जाकर। माँ बाप की हड्डियों के फूल भी घर में रखने का कोई स्थान नहीं है। ऐसे मैं तो कहूँगा कांच के डिब्बे में अपने माँ बाप की हड्डियों की फूल सुरक्षित रखो और उस पर लेबल चिपका दो, लगा दो कि हमारे पूज्य पिता श्री के फूल हैं, पूज्य माँ के फूल हैं, दादी जी के फूल हैं। ऐसे 20-30 पीढ़ी के डिब्बों में फूल इकट्ठे करो और हर दिवाली में उसका लेबल नया कर दो और उन हड्डियों को देख लो और मस्तक में लगा लो कि जो अहंकार करते हो ये भी एक दिन उसी डिब्बे में आने वाला है। एक कांच का डिब्बा खाली वहाँ अपने लिए भी रख दो, लिख दो इसमें मेरा नंबर है। तो तुम इतने होशियार हो कि अपने माँ बाप की हड्डियों के फूल गंगा जी में बहा देते हो कि यहाँ जड़ बुनियाद रखना ही नहीं, देखना नहीं। किसी के घर में एक कोटेशन लिखा था, जब अहंकार सताने लगे तो अपने पूर्वजों के फोटो देख लेना कि वे जब जिंदा थे उनको भी अहंकार था कि मैं ही इस दुनिया को चला रहा हूँ, आज उनका फोटो लग गया, वे दुनिया से चले गए फिर भी ये दुनिया चल रही है, इसलिए तुम भी अहंकार मत करना कि मैं दुनिया चला रहा हूँ, दुनिया तो चलती रहती है, तुम खुद एक दिन चले जाओगे, दुनिया तो ऐसे ही चलती रहती है, अहंकार मत करो। एक से बढ़कर एक आत्माएं इस संसार में आ जाती है, जब तक इच्छा है करो आप, जब इच्छा खत्म हो जाए तो बंद कर दो, शांति से रहो। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो पहले गुरु थे उनका फोटो और माला वो सब मैं गया में जाकर के प्रवाहित कर दिया है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों किया, बोले वो धोखे से गलत गुरु बना लिया था तो मैंने उनको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया है गया में जाके। तुमने कहा अब क्या इरादा है, बोले अब तुमको गुरु बनाऊंगा, तो मैंने कहा मुझको जमुना जी में प्रवाहित न कर देना। बोले नहीं नहीं तुम तो बहुत स्ट्रिक्ट हो, फिट हो। तो हमने कहा पहले से ही छानबीन कर लिया करो, गुरु भी चुनाव करना पड़ता है।
आपकी पूरी जिंदगी चुनाव से भरी हुई है। गुरु का चुनाव, वाह वाह। बहू का चुनाव, पत्नी का चुनाव, पति का चुनाव, दोस्त का चुनाव, दुश्मन का चुनाव, पड़ोसी का चुनाव, गांव का चुनाव, शिष्य का चुनाव, दुकानदार का चुनाव, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, पंचायत सदस्य का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, सरपंच प्रधान का चुनाव, पंच का चुनाव, सारी जिंदगी चुनाव से भरी है। दामाद का चुनाव, और किसी भी फील्ड में चुनाव करने में यदि चूक गए तो याद रखना, जिनका चुनाव तुमने किया है वे जिंदगी भर तुमको चुनते रहेंगे, तुमको ही चूसते रहेंगे, दुख देते रहेंगे। इसलिए दामाद का भी चुनाव सोच समझ कर करना। खाली किसी का चेहरा देख करके, किसी की धन संपत्ति को देखकर, चमकता हुआ मकान देखकर आप उसको दामाद बना लोगे, आप ये भी देखना उसका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा, उसकी आदतें कैसी हैं, ये ठीक से पता लगा लेना कृपया। भले 10 दिन लेट हो जाए, फाइनल जल्दी मत करना। उसके बाद अपनी बेटी उसके घर में देना, अन्यथा एक बार दे दिया तो वापस लौटाना भी कठिन है। बीच में ऐसे फंस जाओगे भाई, गति सांप छछुंदर केरी। सांप जो है छछुंदर को मुंह में पकड़ लिया, उसने समझा ये चूहा है, जल्दी में विचार नहीं किया। अब छछुंदर को खा ले तो कोढ़ी हो जाएगा, और छछुंदर को छोड़ दे तो अंधा हो जाएगा। अब वो चक्कर में पड़ गया, मुंह में पकड़े पकड़े घूम रहा, करूं क्या, छोड़ दूं तो अंधा हो जाऊं, खा लूं तो कोढ़ी हो जाऊं। वही तुम्हारी दशा होती है, इस दामाद को खा लूं तो कोढ़ी हो जाऊं, और छोड़ दूं तो फिर अंधा हो जाऊं, क्या दुनिया कहेगी, ऐसा चक्कर फंस जाता है। इसलिए सोच समझ कर दामाद का चुनाव कीजिए, और सोच समझ कर गुरु का भी चुनाव करो, पति का चुनाव भी विचार कर करो। कितनी लड़कियां आवेश में आकर के किसी लड़के को पति बना लेती हैं, बाद को बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है। जल्दबाजी मत करो, केवल किसी को थोड़ा सा देख करके मोहित मत हो। सोच समझ लो, जिंदगी लंबी है, उसके साथ गुजारना है जिंदगी। ऐसे ही गुरु का चुनाव करो। आपका गुरु बैरागीवान होना चाहिए, रागी रंगी ना हो। आपका गुरु विषय भोगी नहीं होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। आपका गुरु नशा व्यसन से मुक्त हो। आपका गुरु ज्ञानी भी हो, आपको ज्ञान भी देता हो। आपका गुरु चरित्रवान हो, आपका गुरु दयालु हो, आपका गुरु डिसिप्लिन हो, और आपका गुरु साधु हो, महात्मा हो, ब्रह्मचारी हो। आपका गुरु किसी प्रकार की बकवास में ना हो, आपका गुरु सत्संग भी सुनाता हो। ऐसा गुरु बनाइए जो आपकी जिंदगी के सारे सिस्टम को सुधारे, उसको गुरु बनाकर अपना कल्याण करो। कितने लोग अपनी जात में गुरु ढूंढते रहते हैं कि मैं जिस जाति का हूँ उसी जाति का गुरु मिल जाता तो अच्छा। जाति में तो दामाद ढूंढना चाहिए, गुरु थोड़े ढूंढा जाता। वहाँ जात पात का क्या लफड़ा करना, वहाँ तो गुरु यदि ब्राह्मण जाति का है तो भी ठीक, राजपूत है तो भी ठीक, धाकड़ जाति है तो भी ठीक, पाटीदार है तो भी ठीक। हमको तो गुरु से ज्ञान लेना है। आप जब बाजार में टमाटर खरीदने जाते हो तो आप ये थोड़े देखते ही बेचने वाला किस खेत से लाया है, कैसे बेच रहा, आप तो टमाटर की क्वालिटी देखते हो और 2 किलो लेकर घर आते हो, सब्जी बनाकर खाते हो। गुरु के ज्ञान की क्वालिटी, चरित्र की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। गुरु अंदर से महान होना चाहिए, उसको गुरु बनाइए, वो आपका बेड़ा पार कर सकता है।
गुरु बिनु ज्ञान न उपजे नहीं अज्ञान विनाश। बंदों गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तम नाश। और कबीर साहब कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता चाल। अगर शीश अर्पण करके यानी सारा अहंकार उनके चरणों में भेंट कर दो और इतने में भी गुरु मिल जाए तो समझ लो सस्ते में मिल गए। गुरु तो ऐसे है जैसे दही है, संसारी जीव ऐसे है जैसे दूध है। दूध में दही डाल दो तो दूध भी दही बन जाता है और फिर मथो तो माखन निकल आता है, और दूध में दही न डालो तो दूध कभी कभी फट भी जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है। याद रखना गुरु का ज्ञान रूपी दही अगर संसारी के दूध में पड़ जाए तो संसारी भी दही बन जाता है, ज्ञानी हो जाता है, फिर मथो तो उसमें सुख शांति का मक्खन निकल आता है। इसलिए ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुमको दही बना दे और सुख शांति का मक्खन निकाल दे। गुरु ऐसे है जैसे सीढ़ी, सीढ़ी का सहारा लेकर जैसे तुम छत पर चढ़ जाते हो आसानी से, ऐसे गुरु का सहारा लेकर तुम मोक्ष की मंजिल पर पहुंच जाते हो। गुरु ऐसे है जैसे जलता हुआ दिया, तुम ऐसे हो जैसे बुझा हुआ दिया, और बुझे हुए दिया को जलते हुए दिया से टच करा दो तो बुझा हुआ दिया भी जलने लग जाता है। गुरु तो जलता हुआ दीपक है, तुम बुझे हुए दीपक हो, और सत्संग का तेल तुम्हारे दीपक में गुरु डाल देता है, श्रद्धा की बत्ती बढ़ा देता है, तुम्हारा दीपक भी अखंड जलने लग जाता है, फिर तुम भी बुझे हुए दीपकों को जलाने लग जाते हो। आज मेरे पास में एक भाई बहन मिलने के लिए आए, बंसल परिवार है, तो कह रहे थे कि मेरी बहन ने मुझको बताया कि भैया 9 बजे आज था भजन चैनल में गुरुजी का प्रवचन सुनो, एक गुरुजी आते हैं। तो मैंने सुना, इस बहन को मैं बहन भी मानता हूँ और इसको गुरु भी मानता हूँ, इसने बहुत अच्छी बात बताई। उनकी बहन ने कहा कि मैं आपका प्रचार करती हूँ, सबको बताती रहती हूँ कि 9 बजे टीवी खोलो आस्था भजन में, क्या प्रवचन सुनाने वाले आते हैं। धन्य है वे भाई बहन। अपने रिश्तेदारों को भी बताना कि रात में 9 बजे गुरुदेव का प्रवचन आस्था भजन चैनल में सुने। पर यही तपस्या है, धर्म के लिए कष्ट सहना, भक्ति के लिए कष्ट सहना, सत्संग के लिए कष्ट सहना, इसको कृष्ण भगवान ने तप कहा है, और ये तप तुम्हारे जीवन के दुख को दूर करेगा, सुख लाएगा, जीवन को कंचन बना देगा। लोढ़ो कंचन थई जाई संतो न संग मां, लोढ़ो कंचन थई जाई संतो न संग मां, पापी पावन थई जाई संतो न संग मां, पापी पावन थई जाई संतो न संग मां, दानव मानव थई जाई संतो न संग मा, दानव मानव थई जाई संतो न संग मा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आपके गांव में हमारे श्री कप्तान सिंह, श्रीमती रानी सिंह मुख्य यजमान के रूप में इतने बड़े कार्यक्रम को सोच में लाए, जिसको ग्रामवासियों ने, ग्राम एकटा के नर नारियों ने तन मन धन से सहयोग देकर, समय देकर, और पास में गांव खेखरा है, खरेरा 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 वासियों को भी धन्यवाद देता हूँ। वहाँ के बच्चे भी यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, वो गांव भी इसी गांव से सटा हुआ है, जुड़ा है, उनकी सेवाओं को भी शुभकामना है। और विभिन्न गांवों से भक्तगण आए हुए हैं, सबको व्यास का दी
आशीर्वाद देती है।